Hello everybody, welcome to Yagya VM. So in this class, we will study what is Antarctica. So Antarctica बहुत ही mesmerizing continent है. सब लोग हम सब सुनते हैं कि जब आप साउथ पोल के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कॉन्टिनेंट मिलेगा, एक लैंडमास मिलेगा जो कि अंटार्कटिका है. अच्छा मुझे एक बात बताइए कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. कैन यू आंसर दिस, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब इसके लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, दैट वॉट इज़ अ डेजर्ट. ठीक है, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वॉट इज़ अ डेजर्ट. सो बेसिकली दिस स्मॉल क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर है अंटार्कटिका. ओके, अंटार्कटिका इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड थिंग ये है कि दुनिया का सबसे ठंडा जगह, ओके, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कैन बी फाउंड इन अंटार्कटिका. ठीक है, इन द रिसर्च स्टेशन ऑफ वॉस्टॉक. ठीक है, दिस इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, जहाँ पे कोई नहीं रहता. ठीक है, और इसके अलावा ये कि अंटार्कटिका, जैसे कि आप देखते हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स है, वहाँ पे वाटर भी कुछ जगह पे मिलती है, तो फिर हम इसे डेजर्ट जैसा क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम डेजर्ट किसे कहेंगे. ओके, इसका आंसर जानने के लिए यू हैव टू वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आंसर कि डेजर्ट किसे कहेंगे. ओके, और अभी तक आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इफ़ अंटार्कटिका इज़ अ डेजर्ट, दैट मीन्स डेजर्ट्स कैन बी हॉट डेजर्ट ऑल्सो एंड डेजर्ट कैन बी अ कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. 66.5 डिग्री साउथ के नीचे का जो भी एरिया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अंटार्कटिका. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यहाँ से आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, ठीक है, दिस एंटायर एरिया, दिस एंटायर एरिया इज योर अंटार्कटिका. और अब अंटार्कटिका को एक बाई एक हम डेप्थ में देखते हैं. बेसिकली अंटार्कटिका दो पार्ट में स्प्लिट होता है. एक होता है आपका ग्रेटर अंटार्कटिका, ओके, दिस एंटायर रीजन, ठीक है, ये पूरा आपका ग्रेटर अंटार्कटिका है. और एक है आपका लेसर अंटार्कटिका, ठीक है, दिस इज द लेसर अंटार्कटिका. तो ये ग्रेटर अंटार्कटिका और लेसर अंटार्कटिका डिवाइड कैसे हो रही है, इन चीज़ों को देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे, हियर यू कैन सी द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, इधर आपको मिलेगा द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स. जिन्हें इस मैप से प्रैक्टिस करना हो, ये जो मैप है ये हमने लिया है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट अटलास से, ठीक है, तो उसमें ये मैप अवेलेबल है, यू कैन रेफर दैट वन. ठीक है, इन द पेज 100 एंड 101 ये ग्राफ आप, ये मैप आपकी दी हुई है. सो एज यू कैन सी दिस इज द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, यहाँ से डिवाइड होता है आपका ग्रेटर अंटार्कटिका एंड द दैट यू कैन सी हियर ग्रेटर अंटार्कटिका और आपका लेसर अंटार्कटिका यहाँ से डिवाइड होता है. और स्पेसिफिकली बोले तो यहाँ पे क्वीन मॉड रेंज है, ठीक है, क्वीन मॉड रेंज जो कि इन दोनों को डिवाइड करती है. ओके, सबसे पहले आते हैं यहाँ लैम्बर्ट ग्लेशियर. ओके, यहाँ देखिए यहाँ पे लैम्बर्ट ग्लेशियर है. वॉट इज दिस लैम्बर्ट ग्लेशियर? बेसिकली इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ओके, लैम्बर्ट ग्लेशियर, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. उसके पास देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एमरी आइस शेल्फ. ठीक है, एमरी आइस शेल्फ. ओके, अनदर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि एक आइस शेल्फ और एक ग्लेशियर में क्या डिफरेंस होता है. सो ट्राई टू फाइंड आउट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो येस, द क्वेश्चन इज, द थिंग इज दैट एमरी आइस शेल्फ, तो ये क्या है बेसिकली? लाइक पूरे दुनिया में हमें पता चलता है कि जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे मेल्ट कर रहे हैं, राइट, जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं और जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, एमरी आइस शेल्फ धीरे धीरे बढ़ रही है. ठीक है, ये एक आइस शेल्फ है जिसकी साइज बढ़ रही है. अगर इसकी साइज बढ़ जाती है तो मतलब क्या है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये आसपास के कॉन्टिनेंट्स को टच कर जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्वर्स फेनोमेना हमें देखने को मिलता है. अब यहाँ पे देखिए वोस्टॉक, वोस्टॉक क्या है बेसिकली? रशिया का जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है वोस्टॉक. यहाँ पे आपको दुनिया का सबसे ठंडा जगह मिलेगा जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -65 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है. और वोस्टॉक के पास आपको एक लेक मिलेगी, दैट इज लेक वोस्टॉक, एंड द लेक वोस्टॉक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अंटार्कटिका. लेक वोस्टॉक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अंटार्कटिका. अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा रॉस आइस शेल्फ. ठीक है, रॉस आइस शेल्फ. ओके, देखिए यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे रोन आइस शेल्फ मिलेगा और नीचे यहाँ पे रॉस आइस शेल्फ मिलेगी. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट जो अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका जो है यहाँ पे खूब सारे आपको वोल्केनोज मिलेंगे. देर आर अ लॉट ऑफ इरप्टिंग वोल्केनोज इन अंटार्कटिका. उसमें से काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी आपके डोरमेंट है, काफ़ी एक्सटिंक्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो मिलता है इन द रॉस आइस शेल्फ जिसका नाम है माउंट एरेब्रस. दैट यू कैन सी हियर, इट इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका. इफ़ यू रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है. अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए.
नाउ हियर इन द रॉसाई शेल्फ आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है ओनिक्स रिवर, ONYX, ओनिक्स रिवर। दिस रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन अंटार्क्टिका। ओके, तो यहाँ साथ ही साथ हमने क्या देख लिया, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड, अमेरी आइस शेल्फ, लार्जेस्ट लेक ऑफ अंटार्क्टिका, कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विच रिकॉर्ड्स -65 डिग्री सेल्सियस, एंड ओनिक्स रिवर विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्क्टिका एंड द हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्क्टिका, दैट इज माउंट एरेब्रस। अब रोन आइस शेल्फ के पास आपको मिलेगा माउंट विंसन मैसिव। ओके, माउंट विंसन मैसिव, दिस इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अंटार्क्टिका। ओके, दिस इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अंटार्क्टिका। ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल दीज प्लेसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, ऑल दीज प्लेसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज दैट अगर आपसे कोई पूछे कि अनइनहैबिटेड कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे वो स्टॉक इन अंटार्क्टिका, क्योंकि आपने वीडियो में देखा। बट देन इफ आई आस्क यू कि कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन कौन सा है, मतलब जहाँ पे फिर भी लोग रहते हो, उनमें से सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ओएमियाकॉन। ओएमियाकॉन कहाँ पे है? इट इज इन रशिया। इट इज द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन। ओके, इट इज द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन। अब इंडिया और अंटार्क्टिका में क्या रिश्ता है? ओके, सो इंडिया और अंटार्क्टिका में क्या रिश्ता है देखते हैं। सो इन दिस डायग्राम ऑल्सो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ट्रांस, दिस इज योर ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, ठीक है, और क्वीन मॉडरेन जो कि आपके लेसर अंटार्कटिका और ग्रेटर अंटार्कटिका को सेपरेट कर रही है। नाउ सी हियर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज दक्षिण गंगोत्री। ओके, दिस इज योर दक्षिण गंगोत्री, दिस इज मैत्री एंड दिस इज भारती। ओके, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये बेसिकली क्या है? सो एज यू नो, अंटार्कटिका जो एरिया है ना, यहाँ सिर्फ साइंटिफिक पर्पजेस के लिए जाया जाता है। ओके, द पीपल गो देयर ओनली फॉर दी साइंटिफिक पर्पजेस, ठीक है, यहाँ पे बाकी किसी रीजन के लिए नहीं जा सकते। ऑल दो टूर एंड ट्रैवल का भी फैसिलिटी रहता है, बट यूजुअली यहाँ पे कोई रहते नहीं है। ओके, द थिंग इज दैट यहाँ पे कोई रहते नहीं है, इस वजह से अंटार्कटिका को हम सिर्फ एक कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कंट्री एट ऑल, अंटार्कटिका इज नॉट अ कंट्री, वहाँ पे कोई भी लोग रहते नहीं है, वहाँ पे साइंटिफिक पर्पजेस के लिए जाया जाता है। इंडिया की वहाँ पे 3 रिसर्च स्टेशन है, सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी, फिर है मैत्री जो कि 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी, फिर है भारती जो कि 2012 में एस्टैब्लिश हुई थी। सबसे रीसेंट है आपका भारती एंड द ओनली वन विच इज ऑपरेशनल नाउ, अभी सिर्फ जो ऑपरेशन में है वो भारती है, बाकी दोनों ऑपरेशन में नहीं है। जो मैत्री है ना, इसको रिनोवेट दोबारा से किया जा रहा है। रिनोवेट क्यों? ताकि ये और भी कुछ सालों के लिए इंडिया को सर्विस दे पाए। ओके, तो ये तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद आप रख सकते हैं कि देर इज अ लेक प्रियदर्शनी ऑल्सो दैट यू विल फाइंड इन अंटार्कटिका। दिस, सो आई होप आपको काफ़ी कुछ इस डिस्कशन से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ होगा, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के आएंगे अंटार्कटिका के बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू एवरीबडी, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यज्ञसनी पात्रा, आई टीच इन अनअकैडमी लाइव, दिस इज माय रेफरल कोड यज्ञलाइफ, YAGYALIVE। इफ यू यूज माय रेफरल कोड देन यू विल गेट अनदर 10% डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So, Nirman Foundation course, jahan ki 25th mein start hai jayi chi. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So, what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant, Part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant Part 2 will just be started in June. So if you want to learn Polity from me, you can join me on an academy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly Current Affairs also I am covering on an academy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively, you can also use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, for getting additional 10% discount. So, apno a referral code ko bhi use kare paribe, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is, for 6 months it is 5600, for 12 months it is 7000 rupees, for 24 months it is 8400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy.
इन दिस फी स्ट्रक्चर यू विल गेट एडिशनल 10% इफ यू यूज माई रेफरल कोड याग्या 9 YAGYA9 और इफ यू यूज माई रेफरल कोड याग्या लाइव YAGYALIV ओके टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल फॉर 6 months, 12 months एंड 24 months ऑन योर सब्सक्रिप्शन. फाइनली ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे एंड लेट्स क्रैक इट.